हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एफआई सिद्दीकी। आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल वेल्डिंग और टीस पर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं टाइप्स ऑफ पाइप जॉइंट्स के बारे में, यानी के पाइपों के जॉइंट्स के बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूं। टाइप्स ऑफ पाइप जॉइंट यानी के जो पाइप जॉइंट होते हैं उसके जो मुख्य जॉइंट है वो मैं आपको अभी यहाँ बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो होता है उसे कहा जाता है स्क्वायर बट जॉइंट, ये पाइप जॉइंट का प्रकार है। दूसरा होता है बेल एंड गिल्स्पी गॉज जॉइंट, यानी कि उसे लेप जॉइंट भी कहा जाता है। और तीसरा होता है टी जॉइंट, तो टी जॉइंट भी पाइप जॉइंट का प्रकार होता है। और चौथा होता है ब्रांच जॉइंट, तो ब्रांच जॉइंट को केंगल जॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और पांचवा होता है एल्बो जॉइंट, तो एल्बो जॉइंट को एल जॉइंट भी कहा जाता है। और छठा होता है वाई जॉइंट, और सातवां होता है फ्लैंक जॉइंट, और आठवां होता है गसेट बेंड जॉइंट। नौवां और उसका जो प्रकार होता है उसे कंपोजिट जॉइंट कहा जाता है। ये पाइप जॉइंट के मुख्य जो प्रकार होते हैं, जो पाइप जॉइंट का पहला प्रकार होता है उसे स्क्वायर बट जॉइंट कहा जाता है। तो जो स्क्वायर बट जॉइंट होते हैं उसे दो प्रकार से बनाए जाते हैं। एक होता है रूट गैप के साथ स्क्वायर बट जॉइंट, और दूसरा होता है रूट गैप के बगैर स्क्वायर बट जॉइंट। तो स्क्वायर बट जॉइंट को दो प्रकार से बनाए जाते हैं। स्क्वायर बट जॉइंट यानी के दो पाइपों को सामने रूट गैप के बगैर जोड़ा जाए उसे भी स्क्वायर बट जॉइंट कहा जाता है, और दोनों पाइपों को रूट गैप रखकर जोड़ा जाए उसे भी स्क्वायर बट जॉइंट कहा जाता है। पाइप जॉइंट का जो दूसरा प्रकार होता है उसे बेल एंड गिल्स्पी गॉज जॉइंट कहा जाता है, यानी कि लेप जॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये जॉइंट को बनाने के लिए सबसे पहले जो दो पाइप होते हैं उसमें से एक पाइप को खोला जाता है और दूसरे पाइप को उस पाइप में डाला जाता है, और जो पाइप को खोला जाता है उसे बेल कहा जाता है, और जिस पाइप को बेल में डाला जाता है उसे स्पिगोट कहा जाता है। इसलिए इसे बेल और स्पिगल जॉइंट कहा जाता है, और लेप जॉइंट भी कहा जाता है। जो पाइप जॉइंट का तीसरा जो प्रकार होता है उसे टी जॉइंट कहा जाता है, और टी जॉइंट को बनाने के लिए सबसे पहले दो पाइप को काटा जाता है, और जो डेवलपमेंट के आधार पर एक पाइप में होल किया जाता है और दूसरे पाइपों की धारों को राउंड में कट किया जाता है, और इसके बाद दोनों पाइपों को 90 डिग्री में जोड़ के वेल्ड किया जाता है। इसलिए इसे पाइप टी जॉइंट कहा जाता है। पाइप जॉइंट का जो चौथा प्रकार होता है उसे ब्रांच जॉइंट या एंगल जॉइंट कहा जाता है। ब्रांच जॉइंट और एंगल जॉइंट को बनाने के लिए दोनों पाइपों को, यानी के दो पाइप को कट किया जाता है, और उसके बाद डेवलपमेंट यानी के ब्रांच जॉइंट का डेवलपमेंट तैयार करके एक पाइप में होल की जाती है, और दूसरे पाइप की धारों को गोल काटा जाता है, यानी के ब्रांच जॉइंट को 45 डिग्री में जोड़ के वेल्ड किया जाता है। इसलिए इसे ब्रांच जॉइंट कहा जाता है। पाइप जॉइंट का जो पांचवा प्रकार होता है उसे एल्बो जॉइंट या एल जॉइंट के नाम से जाना जाता है, और इस जॉइंट में दोनों पाइपों को, यानी के दोनों पाइपों को 45 डिग्री में डेवलपमेंट के आधार पर डेवलपमेंट तैयार करके 45 डिग्री में दोनों पाइपों को काटा जाता है, और उसके बाद दोनों पाइपों को 90 डिग्री में जोड़ के उसे वेल्ड किया जाता है। इसलिए इसे एल जॉइंट या केल्बो जॉइंट कहा जाता है। पाइप जॉइंट का जो छठा प्रकार होता है उसे वाई जॉइंट कहा जाता है, और आपके सामने जो ये ड्राइंग है उसे वाई जॉइंट कहते हैं। और वाई जॉइंट को बनाने के लिए उसका जो वाई जॉइंट का जो डेवलपमेंट होता है उसे तैयार किया जाता है, और वाई जॉइंट को बनाने के लिए तीन पाइपों में से वाई जॉइंट को बनाया जाता है, और डेवलपमेंट के आधार से पाइपों की जो एज होती है उसे राउंड शेप में कट किया जाता है,
और वाई जॉइंट को बनाया जाता है, इसलिए इसे वाई जॉइंट कहा जाता है। क्योंकि वाई जॉइंट को जो इंग्लिश का जो वाई जो अक्षर होता है इस तरह का वो दिखता है, इसलिए इसे वाई जॉइंट कहते हैं। पाइप जॉइंट का जो सातवां जो प्रकार होता है उसे फ्लैंज जॉइंट कहा जाता है, और फ्लैंज जॉइंट को बनाने के लिए एक प्लेट को राउंड शेप में कटिंग किया जाता है और उसके सेंटर में पाइप के डायामीटर के हिसाब से सेंटर में होल की जाती है और उस पाइप को उस होल में डाला जाता है और उसे डाल के उसे वेल्ड किया जाता है, इसलिए इसे फ्लैंज जॉइंट कहा जाता है। जो फ्लैंज जॉइंट होते हैं वो दो प्रकार में होते हैं, एक उसकी जो प्लेट होती है वो राउंड शेप में होती है और दूसरी जो इसकी प्लेट होती है वो स्क्वायर शेप में होती है, ये दोनों फ्लैंज जॉइंट कहलाते हैं। पाइप जॉइंट का जो आठवां प्रकार होता है उसे गसेट बैंड जॉइंट कहा जाता है, और आपके सामने जो आपको ड्राइंग दिख रहा है उसे गसेट बैंड जॉइंट कहा जाता है, और गसेट बैंड जॉइंट बनाने के लिए पाइपों के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उसे 22.5 डिग्री में कट करके उसे 45 डिग्री में जोड़ के वेल्ड किया जाता है, इसलिए इसे गसेट बैंड जॉइंट कहा जाता है। पाइप जॉइंट का जो नौवां जो प्रकार होता है उसे कंपोजिट जॉइंट कहा जाता है, यानी कि यहाँ आप ड्राइंग देख रहे हैं ये कंपोजिट जॉइंट है, और जो कंपोजिट जो जॉइंट होता है उसे कंपोजिट जॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि एक पाइप में एक से ज्यादा जॉइंटों को बनाया जाए तो उसे कंपोजिट जॉइंट कहा जाता है। जैसे कि ये एक पाइप है और दूसरा जो पाइप उसमें है उसे टी जॉइंट यानी कि टी जॉइंट भी माने बनता है, और दूसरे जो दो पाइप है वो उसमें ब्रांच जॉइंट भी बनता है, इसलिए इसे कंपोजिट जॉइंट कहा जाता है। क्योंकि कंपोजिट माने जॉइंट में एक से ज्यादा पाइपों को एक पाइप में जोड़ के जॉइंट बनाया जाए उसे कंपोजिट जॉइंट कहा जाता है। मेथड ऑफ एज प्रिपरेशन यानी के पाइपों की जो किनारे की तैयारी कैसे की जाती है, तो छोटे डायमीटर वाले पाइपों को कटिंग करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल होता है, यानी के जो पाइप के डायमीटर छोटे होते हैं उसे पाइप कटर से भी काटा जाता है, और जो पाइप के डायमीटर छोटे होते हैं उसे हैंड एक्सो से भी काटा जाता है, और जो पाइप के डायमीटर छोटे होते हैं उसे एक्सो मशीन से भी काटा जाता है। जो बड़े डायमीटर वाले पाइपों को कटिंग करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल होता है, यानी कि जो पाइप के डायमीटर बड़े होते हैं उसे कट करने के लिए पावर हैक्सो मशीन का इस्तेमाल होता है, और दूसरा पोर्टेबल ऑक्सी फ्यूल गैस कटिंग मशीन का इस्तेमाल होता है पाइपों को कट करने के लिए, और बड़े पाइपों को कट करने के लिए जो तीसरी जो माने मेथड होती है उसे ऑक्सी फ्यूल गैस कटिंग कहा जाता है, और बड़े डायमीटर वाले पाइपों को कट करने के लिए जो चौथी जो माने मेथड होती है उसे मशीनिंग कहा जाता है, जो माने मशीनिंग से बड़े पाइपों को काटा जाता है। मेथड्स ऑफ बेवलिंग यानी के जो पाइपों की बेवलिंग के लिए जो पाइप में जो बेवल की जाती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो इसे बेवल कहा जाता है, और पाइपों के बेवल के लिए जो मेथड इस्तेमाल होती हैं उसमें तीन माने मेथड होती हैं। एक होती है ग्राइंडिंग, तो ग्राइंडिंग से पाइप को बेवल किया जा सकता है, और दूसरी जो मेथड होती है उसे मशीनिंग कहा जाता है, और माने मशीनिंग से भी पाइपों को बेवलिंग किया जाता है, और तीसरी जो मेथड होती है उसे फाइलिंग कहा जाता है, और फाइलिंग से भी पाइपों में बेवल की जाती है, और चौथी जो मेथड होती है गैस कटिंग यानी के जो पोर्टेबल ऑक्सी फ्यूल गैस कटिंग जो मशीन होता है उससे भी पाइपों में बेवल किया जा सकता है। तो ये सभी जो माने मेथड हैं वो पाइपों में बेवल करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। जो टी जॉइंट, ब्रांच जॉइंट, एल्बो जॉइंट, वाई जॉइंट और जो गसेट बेल्ट जॉइंट होते हैं उसको
जॉब डेवलपमेंट का उपयोग करके ये जॉइंटों को बनाया जाता है। फैक्टर्स ऑफ पाइप जॉइंट, यानी के पाइप जॉइंट को बनाने के लिए तीन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो होता है, जो पाइपों के आईडी यानी के इनसाइड डायमीटर और जो पाइपों का ओडी यानी के जो आउटसाइड जो माने डायमीटर का ध्यान माने रखना चाहिए। और दूसरा इसका जो फैक्टर होता है वो पाइपों की वाल्व थिकनेस यानी के पाइपों की माने मोटाई पर, ये भी पाइप का एक फैक्टर्स होता है। और तीसरा होता है पाइपों की एज प्रिपरेशन यानी के पाइपों की किनारों की तैयारी। ये तीन फैक्टर का पाइप जॉइंट को बनाने से पहले ध्यान रखना चाहिए। सेटिंग ऑफ पाइप यानी के जो पाइप होते हैं उसे कैसे सेट किया जाता है और उसमें कैसे टैंक यानी के टैंक कैसे लगाए जाते हैं उसके बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूं। जो दो पाइप होते हैं, एक पाइप को दूसरे पाइप के ऊपर रख के जरूरियात के अनुसार जो रूट गैप माने रखा जाता है, और रूट गैप रखने के लिए मैंने एक जो फिलर वायर है उसका इस्तेमाल किया है, यानी कि दोनों पाइपों के बीच में जरूरियात के अनुसार रूट गैप रखा जाता है और दूसरे पाइप को इसके बीच में रख के रूट गैप दिया जाता है। और जब पाइप का सेट किया जाए तो पाइप का जो अलाइनमेंट का जो सेटिंग होता है वो बहुत माने महत्व होता है, यानी कि जो दोनों जो पाइप होते हैं वो एक ही दिशा में यानी कि बिल्कुल एक ही दिशा में रहने चाहिए। ये पाइप का महत्वपूर्ण सेटिंग होता है। और उसके बाद पाइपों में चार जगह सामने सामने टैंक यानी के टैंक लगाए जाते हैं, इसलिए ऐसे पाइप को सेट किया जाता है। जो पाइपों का जो अलाइनमेंट का सेटिंग होता है यानी कि एक पाइप में दो जो स्ट्रिप होती है उसे टैंक करके लगाया जाता है, और उसके बाद दूसरे पाइप को इसके ऊपरी सतह पर रख के दोनों स्ट्रिप के बीच में रखा जाता है। इससे जो अलाइनमेंट का जो सेटिंग होता है वो परफेक्ट मिलता है। पाइप सेटिंग यानी पाइपों को कैसे सेट किया जाता है, तो पाइपों को सबसे पहले एक जो एंगल होती है या चैनल होती है उसमें पाइपों को सेट किया जाता है, क्योंकि एंगल और चैनल में सेट करने से जो पाइप होते हैं वो एक दिशा में, उसका जो अलाइनमेंट होता है वो एक दिशा में रहता है। और रूट गैप के लिए जो फिलर वायर होता है, जिस साइज का रूट गैप माने रखना होता है उस साइज का फिलर रोल लिया जाता है, और दोनों पाइपों के बीच में फिलर रोल को दबाकर गैप दिया जाता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो इसका अलाइनमेंट का जो सेटिंग सही तरीके से आ गया है और जो रूट गैप भी सही तरीके से बन गया है। अभी मैं इसमें टैंक लगाने वाला हूँ। ये पाइप में एक टैंक लग चुका है और अब पाइप में उसके सामने की साइड में एक टैंक लगा रहा हूँ। ये दूसरा टैंक सामने लग चुका है। पाइप में सामने दो टैंक लग चुके हैं और अब फिलर जो वायर मैंने रूट गैप के लिए दिया हुआ है उसे निकाल रहा हूँ, और ये दोनों सामने टैंक लग गए हैं। अब तीसरा और चौथा टैंक यहाँ पर लगाने वाला। ये आपके सामने तीसरा टैंक है। ये चौथा टैंक
पाइप में साम सामने चार टैंक लगाने पड़ते हैं। पाइपों की एज प्रिपरेशन को बनाने के लिए जो पाइप की एक किनारे पर उसका जो बेवल एंगल होता है वो 37.5 डिग्री पर बेवल किया जाता है और दूसरे पाइप का जो बेवल एंगल होता है वो भी 37.5 डिग्री पर पाइप को बेवल किया जाता है। जब दो बेवल एंगल को साथ में जोड़ते हैं यानी कि दोनों पाइपों को साथ में जोड़ा जाता है, अब ये जो एंगल जो बीच में बनता है उसे इंक्लूडिंग एंगल कहा जाता है और जो पाइप का इंक्लूडिंग एंगल होता है वो 75 डिग्री पर होता है। दोनों पाइपों के बीच में जो गैप को रखा जाता है उसे रूट गैप कहा जाता है और दोनों पाइपों के जो किनारे होते हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये दोनों पाइपों के जो नीचे के जो किनारे होते हैं उसे रूट फेस कहा जाता है। पाइपों में रूट गैप को क्यों रखा जाता है यानी कि पाइपों की मजबूती के लिए रूट गैप को रखा जाता है और रूट गैप में जो प्रथम जो वेल्डिंग रंग होता है यानी कि रूट गैप में जो वेल्डिंग का प्रथम रंग लगाया जाता है उसे रूट पास कहा जाता है। रूट पास से वेल्डिंग में पेनिट्रेशन आता है और पेनिट्रेशन के बारे में मैं आपको नोमेनक्लेचर ऑफ द वेल्ड के वीडियो में बता चुका हूं। पाइप वेल्डिंग करने के लिए जो वेल्डिंग रंग लगाए जाते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, जैसे कि पाइप वेल्डिंग करने के लिए जो रूट गैप होता है रूट गैप में जो प्रथम वेल्डिंग लाइन लगाई जाती है उसे रूट पास कहा जाता है और रूट पास के ऊपरी दूसरी वेल्डिंग लाइन लगाई जाती है उसे हॉट पास कहा जाता है और हॉट पास के ऊपर जो इंक्लूडिंग एंगल होता है उसे भरने के लिए दो या तीन लाइन या उससे ज्यादा वेल्डिंग लाइन लगाई जाती है उसे फिलर पास कहा जाता है और आखिर में जो वेल्डिंग लाइन ये दोनों सतहों को पूर्ण करने के लिए जो आखिरी वेल्डिंग लाइन लगाई जाती है उसे कवर पास कहा जाता है। दोनों पाइपों के रूट गैप में जो फर्स्ट रन यानी कि रूट पास लगाई जाती है और दोनों पाइपों के जो गैप में गोल आकार का खांचा दिखाई देता है उसे की होल कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ ड्राइंग में देख सकते हो ये वेल्डिंग लाइन है और वेल्डिंग लाइन के अंत में यहाँ पर जो राउंड शेप में खांच दिखाई देती है उसे की होल कहा जाता है और की होल के अंदर इलेक्ट्रोड को चलाने से पेनिट्रेशन यानी कि सही पेनिट्रेशन प्राप्त होता है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताना।